डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास वन। आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं शिक्षण क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण के सिद्धांत क्या है और शिक्षण की विशेषताएं क्या है। ये सभी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं दोस्तों। ये हमारी एक बेसिक यूनिट है और इसमें से दोस्तों पहले भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। लेकिन दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड को समझने के लिए हमें शिक्षण की बेसिक समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण क्या है और शिक्षण का अर्थ क्या है। देखिए, शिक्षण एक पूर्णतः सामाजिक प्रक्रिया है। चूंकि समाज परिवर्तनशील होता है, अंत शिक्षण पर भी समाज का प्रभाव पड़ता है और ये भी समाज की तरह बदलती रहती है। देखिए, जैसे कि हम अलग अलग देश में जाएंगे तो वहाँ पे शिक्षण करने का तरीका अलग होगा, अलग धर्म में जाएंगे वहाँ पे अलग होगा, अलग संस्कृति में अलग होगा, अलग समाज में शिक्षण करने का तरीका अलग होगा। तो ये समाज के अनुसार और टाइम के अनुसार चेंज होती रहती है। शिक्षण को मुख्य रूप से दोस्तों त्रिध्रुवीय संरचना माना गया है। वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संरचना मानी है शिक्षण की, लेकिन मुख्य रूप से इसके अंदर तीन चीज़ें होती है दोस्तों। एक होता है शिक्षक जो हमें सिखाता है, नंबर दो पे होती है दोस्तों शिक्षार्थी जो सीखता है, नंबर तीन पे दोस्तों पाठ्यक्रम जिससे हम सीखने की कोशिश करते हैं, जिसकी सहायता हम लेते हैं जी। और इसमें देखिए उसमें शिक्षक का स्थान सर्वोपरि माना गया। यहाँ पे शिक्षक आएगा दोस्तों, शिक्षण के अंदर शिक्षक का जो स्थान होता है वो सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि शिक्षक जिस तरह से सिखाएगा वैसा ही बच्चा सीख पाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण सबसे प्रमुख है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण शब्द शिक्षा से बना है जिसका अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण की प्रक्रिया मानव व्यवहार को परिवर्तन करने की तकनीक है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी हम सीखते हैं, अगर अच्छी एजुकेशन लेंगे तो हम अच्छे इंसान बनेंगे, अगर बुरी एजुकेशन लेंगे तो हम बुरे इंसान बनेंगे, यानी कि हमारे व्यवहार में चेंज जरूर आएगा चाहे वो कैसा भी आए। शिक्षण का तात्पर्य बालक को कक्षा में निश्चित समय, निश्चित विधियों, निश्चित स्थान पर पूर्व नियोजित ढंग से शिक्षण दिया जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, यहाँ पे ये नोट कर लेना ये चीज़। शिक्षण का एक्चुअल मायने में मीनिंग क्या होता है, रियल में मीनिंग इसका ये होता है कि शिक्षण एक निश्चित समय में, एक निश्चित विधियों और एक निश्चित स्थान पर पूर्व नियोजित ढंग से किया गया कोई कार्य क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है दोस्तों। अगर कोई बालक जा रहा है, मान के चलिए ठीक है, उसने गाड़ी पे कुछ लिखा हुआ उसको दिखाई दे गया, उसने वहाँ से सीखा, तो वो शिक्षण नहीं है दोस्तों। अगर मान के चलिए दो सांड की लड़ाई हो रही है या फिर कुछ दो कुत्ते लड़ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, उससे अगर बच्चा सीख रहा है, अगर बच्चा चल रहा है, बच्चे को ठोकर लग गई और वो गिर गया, उसे पता चल गया भाई ठोकर लगने से चोट लग जाती है, खून निकलता है, तो वो शिक्षण नहीं है दोस्तों, वो शिक्षण नहीं है। क्योंकि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण एक निश्चित समय में निश्चित विधियों द्वारा निश्चित स्थान पर किया जाता है। जैसे कि हम क्लास की बात करें, स्कूल की बात करें, स्कूल के अंदर क्या होता है दोस्तों, पहले से डिसाइड होता है भाई इस सुबह 9 बजे से 2 बजे तक क्लास होगी और 9 बजे ये टीचर पढ़ाएंगे, 10 बजे ये, 11 बजे ये, यानी कि पूरा सुव्यवस्थित तरीके से होता है, तो वो क्या होता है हमारा शिक्षण होता है। और
हम आगे बात करेंगे, जैसे शिक्षण और अधिगम में अंतर की बात करेंगे तो उसमें आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अधिगम क्या होता है दोस्तों? अधिगम में क्या होता है कि हम कहीं भी कैसे भी सीख सकते हैं, उसके अंदर सिस्टमेटिक ढंग से सीखने की ज़रूरत नहीं होती। आगे हम बात करते हैं दोस्तों डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। देखिए अलग अलग विद्वानों ने और क्या क्या डेफिनेशन दिए उसके बारे में हम बात करते हैं। वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने करने में सहायता करता है। इसके अनुसार क्या है दोस्तों? इसके अनुसार क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या तो कुछ सिखाता है या फिर उससे कुछ सीखने की कोशिश करता है। एडमन ने क्या कहा है दोस्तों शिक्षण के बारे में? शिक्षण एक अंत प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है जो शिक्षक तथा छात्रों के मध्य होती है। देखिए इनका मानना अलग है, ये कहते हैं कि जो शिक्षण होता है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच ही होता है, उनके बीच में वार्तालाप होते हैं। और आगे हम बात करते हैं गेज। गेज ने क्या कहा है? शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लेके आना। अब इनका सोचना अलग है ना, यहाँ पे इन्होंने टीचर और स्टूडेंट की बात नहीं की, इसने कहा है कि शिक्षण क्या है कि कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है और जहाँ पे उद्देश्य होता है किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लेके आना। ठीक है, तो यही बात है दोस्तों, हर जो विद्वान है उसकी अलग अलग थिंकिंग हो सकती है। आगे हम बात करते हैं दोस्त, जैसे रियांस रियांस ने क्या कहा है? दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। अब इन्होंने क्या माना है? इन्होंने ये माना है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को कोई दिशा निर्देश देते हैं, कोई बात कहते हैं, तो वो क्या है दोस्तों? वो हमारी शिक्षण बोला जाता है इनके अनुसार। और ये दोस्तों आप ये पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना इन सभी डेफिनेशन को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है। शिक्षण की विशेषताओं में से दोस्तों पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और ये आप दोबारा अच्छे से देख लेना। देखिए शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम किसी व्यक्ति के अंदर वांछित परिवर्तन लेके आए, उसके व्यवहार में मॉडिफिकेशन करें, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर किए तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया तो हमने देख ली, व्यावसायिक कैसे है? जैसे कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमसे कुछ ना कुछ फीस ली जाती है, तो इसको हम व्यावसायिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? हम तर्क वितर्क करते हैं, हमारे जैसे स्कूल के अंदर होता है, बच्चे होते हैं वो हमसे सवाल जवाब करते हैं। आगे हम बात करते हैं शिक्षण एक आमने सामने की प्रक्रिया है। देखिए ये बात करें हम, ये तो पहले की बात होगी, जब हम गुरुकुल वगैरह में होते थे तब क्या होता था कि आमने सामने अगर टीचर है स्टूडेंट है तो बहुत अच्छे से हो सकता था, लेकिन आज समय के अनुसार ये चीज़ें चेंज हो गई है। आज हम ऑनलाइन टीचिंग से बहुत अच्छी टीचिंग कर सकते हैं, आमने सामने होना जरूरी नहीं है। शिक्षण प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। देखिए अच्छा शिक्षण क्या होता है? अच्छा शिक्षण वही होगा जो हमें प्रेरणा दे, हमें मोटिवेशन दे, आगे बढ़ने के लिए कुछ बातें करे, वो होगा हमारा अच्छा शिक्षण। देखिए सीखने का मतलब, तो अगर कोई टीचर है कोई गंदी बातें सिखा रहा है तो वो अच्छा शिक्षण नहीं माना जाएगा ना, तो वो उसको हम शिक्षण नहीं कहेंगे। आगे हम बात करते हैं शिक्षण एक कुशल निर्देशन है। निर्देशन में हमने ऊपर बात की थी ना, इन्होंने कहा था, ये कौन था, इन्होंने कहा था, हाँ रियांस ने कहा था कि शिक्षण के अंदर हम एक दूसरे को निर्देश देते हैं, तो यही इसके अंदर है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये चीज़ हम ऊपर पढ़ के आए थे, त्रिमुखी प्रक्रिया है, और तीनों चीज़ों की हमने बात की थी। शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? दोनों तरह की हो सकती है दोस्तों, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की हमारी शिक्षण हो सकती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया। अब देखिए हमने ऊपर बात की थी त्रिमुखी प्रक्रिया, अब बात आ रही है द्विमुखी प्रक्रिया की, तो ये दोस्तों ये किसने माना है? एडमस महोदय ने माना है कि शिक्षण जो है द्विमुखी प्रक्रिया होती है। इनके अनुसार क्या है? शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया माना गया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। इन्होंने पाठ्यक्रम को हटा दिया है, बीच में से हटा दिया है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से दोस्तों?
व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये देखिए ये व्यक्तिगत भिन्नताएं शिक्षण को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि क्लास में हमने देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं कि वो कुछ भी बताने में बहुत जल्दी समझ जाते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बताने के बाद भी बहुत कम समझ पाते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताएँ हो सकती है, शिक्षण उद्देश्य के अनुसार भी हो सकती है भिन्नताएं। अगर किसी का उद्देश्य है कि वो अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहता है तो अच्छे से शिक्षण होगा, और कोई फॉर्मेलिटी करना चाहता है तो वहाँ पे शिक्षण अच्छे से नहीं होगा। वातावरण का प्रभाव, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जैसे मान के चलिए हम पढ़ा रहे हैं और पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, डीजे बज रहा है, तो अच्छा शिक्षण नहीं होगा, बच्चे डाइवर्ट होंगे उसके अंदर। शिक्षक की कुशलता आएगा दोस्तों यहाँ पे, शिक्षक टीचर की कुशलता इसके अंदर देखा जाता है कि टीचर कितना अच्छे तरीके से पढ़ा पाता है। अगर टीचर हेजिटेट होगा तो स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, उनको विश्वास नहीं होगा कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है। आगे हम बात करते हैं कि शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। देखिए जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ये बात हमने पहले भी की थी कि शिक्षण कैसा होना चाहिए, शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन में पॉजिटिव तरीके से हमारे चेंज लेके आए हमारे अंदर, ऐसा ना हो कि जो हमें गंदी चीज़ें सिखाए, हमारे जीवन से संबंधित होना चाहिए। और ये दोस्तों ये पहले एग्जाम के अंदर आ चुका है। उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, हम जो शिक्षण कर रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक उद्देश्य होना चाहिए, ये नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं कुछ भी बता रहे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, कंटिन्यूसली होना चाहिए शिक्षण, ऐसे नहीं है कि आज पढ़ा दिया फिर 10 दिन बाद पढ़ा दिया फिर 15 दिन बाद पढ़ा दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्रियाशीलता उसके अंदर होनी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अब देखिए इसका मतलब क्या है दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये है कि जैसा बच्चा है टीचर को वैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए, उसी अनुसार उसे पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मान के चलिए क्लास के अंदर 4 बच्चे बिल्कुल कमज़ोर है तो उनको होश के तो अलग से पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार है उनको अलग से बताना चाहिए अगर होश के तो। तो काफ़ी तरह के सिद्धांत है दोस्तों, आप इसमें से देख लेना, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। और इसमें देखिए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जैसे मोटिवेशन का सिद्धांत हमने बताया था, अभ्यास का सिद्धांत, अब ज़्यादा अच्छा शिक्षण कब हो सकेगा, तभी हो सकेगा ना जब हम उसका अभ्यास करेंगे। अब हमने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट के पास जैसे कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है, लेकिन वो जब 6 महीने बाद या 1 साल बाद जब कंप्यूटर चलाता तो उसे माउस भी पकड़ना नहीं आता, माउस भी नहीं चला पाता वो। तो जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमारा शिक्षण सक्सेसफुल नहीं होगा, तो ये देख लेना दोस्तों। और जैसे एक हाँ ये भी दोस्तों, ये हमारे एग्जाम में आ चुका है, मनोरंजन का सिद्धांत, हमारा जो शिक्षण होता है वो एडुटेनमेंट होना चाहिए दोस्तों, उसके अंदर शिक्षा भी मिलनी चाहिए और एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से शिक्षण कर पाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षण के सूत्र क्या है। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए दोस्तों, हमें बच्चों को पहले वो चीज़ें बतानी चाहिए जो उनको कुछ समझ में आ रही हो, कुछ उनको पता हो, और उसके बाद में अज्ञात की ओर लेके जाना चाहिए। सरल से कठिन की ओर, सबसे पहले हमें उनको सरल चीज़ें बतानी चाहिए और फिर उसे कठिन की ओर लेके जाना चाहिए। प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, प्रत्यक्ष हमें बच्चों को ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए जो वो डायरेक्टली देख सके, डायरेक्टली समझ सके। अगर हम छोटे से बच्चों को अगर शुरू में फॉर्मूला दे देंगे या कुछ दे देंगे तो वो अच्छे से नहीं समझ पाएगा, वो वहीं पे बोर हो जाएगा। और भी है दोस्तों इसके अंदर देख लेना, जैसे कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, ये दोस्तों। और इनमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करना दोस्तों, और इनसे रिलेटेड, इस थ्योरी से रिलेटेड हम कोशिश करेंगे, आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं वो हम लाइव क्लास में ज़रूर करेंगे, आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, निमिजनेट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और बहुत कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि शिक्षण के उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों रॉबर्ट मेगर के अनुसार एक शिक्षण उद्देश्य ऐसी इच्छा है जो कथन द्वारा व्यक्त की जाती है एवं जिसमें शिक्षार्थी में प्रोत्साहित अधिगम का होता है। शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तन के रूप में प्राप्त होता है। ये देखिए दोस्तों हमने कितनी बार बात कर ली दोस्तों कि जो शिक्षण होता है, शिक्षण का मेन उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण का मेन उद्देश्य एक ही होता है, जो हमसे सीख रहा है उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लेके आना, पॉजिटिव परिवर्तन लेके आना, वो होता है हमारा सही मायने में शिक्षण का उद्देश्य।
और ये देखना दोस्तों, अगर आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा इसमें से पहले क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर इसमें पढ़ना चाहें तो दोस्तों यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, द एम ऑफ टीचिंग, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, आप आसानी से पढ़ना दोस्तों। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।